मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। लेकिन मजहब के नाम पर जाने कितने फसाद हो जाते हैं, इसकी वजह है धर्म से जुड़ी अज्ञानता। हम जितनी गहराई से इन्हें समझेंगे हमारी भ्रांतियां मिटेंगी और मिटेंगे बैर। मजहब हमारा यह नहीं सिखाता कि हम आपस में बैर रखना, हम ये चाहते हैं कि हम सबको एक जहती, एक साथ, एक यूनिटी। दिलों की दूरियां मिटती दिखी जब तेलंगाना के बेगमपेट स्थित स्पेनिश मस्जिद सभी धर्मों के लोगों के लिए खोला गया। देखिए, आज हम बहुत खुश है कि ये बड़ा सक्सेस हुआ है जो हम सोच के समझिए अभी आगे बढ़ाए हैं ये चीज़ को। पर शुरुआत भी है जहाँ पे समझिए हमारे पूरे भाई बहन आए हैं फ्रॉम डिफरेंट कास्ट कम्युनिटीज़। हमारे 80% हमारे हिंदू भाई बहन आए हैं, हमारे मुसलमान भाई बहन आए हैं, हमारे क्रिश्चियन सिख सब कुछ आए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक माहौल हिंदुस्तान का बना हुआ है, सब में बड़ी चीज़ है यहाँ हिंदुस्तान का माहौल बना हुआ है। और दिस इज़ वॉट वी ऑल यू नो, दिस इज़ वॉट इस्लाम इज़ ऑल अबाउट और दिस इज़ वॉट वी इंडियंस आर ऑल अबाउट। यू नो, लोग हिंदुस्तान तमाम ये चीज़ को बढ़ावा दे, शुरू करे, नॉट जस्ट वन कम्युनिटी, ऑल कम्युनिटीज स्टार्ट दिस पर्टिकुलर थिंग, ताकि वी एन्जॉय लिविंग टुगेदर द वे वी हैव एन्जॉयड फॉर 1000+ ईयर्स। एक सौ 112 साल पुराने इस ऐतिहासिक मस्जिद ने एक और इतिहास रचा जब गैर मजहब के लोगों ने भी यहाँ अपनापन महसूस किया। बहुत खुशी है कि हम लोग आज यहाँ हैं और ये अपने लिए एक एग्जांपल है कि एक साथ मिलजुल के रहना चाहिए, हम लोग समझना चाहिए कि हम लोग सब इंडियन हैं और कैसा एक साथ जीते हैं, कैसा हम एक साथ पढ़ते हैं, कैसा हम लोग नेबर्स रह सकते हैं, ये ज़रूरी है। पूरे हिंदुस्तान में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए क्योंकि कई लोगों के जहनों में गलत फहमियाँ हैं वो दूर हो सकती है कई हद तक। हम ये चाहते हैं कि ये मैसेज हर एक को जाए, मस्जिद हर एक के लिए खुली है। हम नहीं चाहते हैं कि मस्जिद के दरवाजे सिर्फ मुसलमानों के लिए, बल्कि नहीं है ऐसा कुछ। मुझे खुशी इस बात की है, मेरी हिंदू बहनें, मेरी भाई, हर सब आके यहाँ देखने के बाद ऐसा मालूम हो रहा है ये एक जगह है जो एक सुकून, एक मैसेज जा रहा है कि एक जहती का मैसेज जा रहा है। विजिट माई मॉस्क, ये मौका था गैर मुस्लिम लोगों के लिए इस्लाम को समझने का। ये एक कोशिश थी आपसी रंजिश मिटाने की, एक संदेश था सभी धर्मों के लिए ऐसे और मौके ढूंढे जाएं जिससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिले।